नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड का बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल नाश्ता। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत चटाकेदार बनेगा, आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं बनाने। आज का नाश्ता बनाने के लिए ले रहे हैं 2-3 चम्मच ले लेंगे बेसन। बेसन बिल्कुल ऊपर तक भर के लिया है, तो उसी तरह से लीजिएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लेंगे। आज की रेसिपी में बहुत कम मसाले डाल करके बनाएंगे और बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें पानी डाल करके गाढ़ा घोल बना लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, एक बार में ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे पहले ताकि लम्स ना हो। थोड़ा सा पानी और बढ़ा देंगे ताकि घोल अच्छा बने। और इसमें मैं ब्रेड का नाश्ता बनाने वाली हूँ तो ब्रेड को अच्छी तरह से लपेट सके। मैंने खाने वाला बड़ा वाला चम्मच से 3 चम्मच ऊपर तक लिया है बेसन। बराबर से नापेंगे तो 7-8 चम्मच हो जाएंगे, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना हो तो बेसन की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। इसे 4-5 मिनट इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे ताकि बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। अब मैंने ले लिया एक चॉपर और एक प्याज, बड़ा प्याज को छील करके इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्च भी चॉप करके इसी में डाल देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब मैंने गैस ऑन करके एक तवा ले लिया है, उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर। इतनी देर में हमारे बेसन भी फूल गए अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है। आप चाहे तो एक आध दिन पुराना हो तो उसका भी बना सकते हैं। फ्रेश ब्रेड होता है तो टूटने का डर नहीं होता, सॉफ्ट बना रहता है। तो इस तरह से लट पलट कर लेंगे एक घोल के अंदर और इसे उठा करके डाल देंगे तवा के ऊपर जहाँ पे मैंने लगा के रखा है बटर। तो इसी तरह से एक और डिप करेंगे। देखिए दोनों ब्रेड को मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर का बेसन गीला है, उसी समय मैं डाल दूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज जो चॉप किया था। इसे इस तरह से फैला देंगे दोनों के ऊपर। आपका तवा थोड़ा सा बड़ा है तो ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा, और यदि और भी छोटा है तो एक एक करके बना सकते हैं। थोड़ी सी डाल देंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च। मैंने सब्जियों में नमक नहीं डाला था तो हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर नमक ताकि फीका फीका ना लगे। थोड़ा सा टमाटर चॉप किया हुआ डाल देंगे। सीड्स निकाला हुआ है, इसका सीड्स नहीं डालिएगा। सीड्स डालेंगे तो ये पिलपिला सा बन करके तैयार होगा। इसे हल्का सा इस तरह से दबा देंगे। मेरे पास थोड़ा पनीर पड़ा था तो मैं पनीर को भी ग्रेट करके डाल देती हूँ। इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं। आपको बाहर खाने को मिलता है लेकिन काफ़ी मिलता है, उस तरह से आप घर पे ही बना करके खा सकते हैं। इसके ऊपर से भी 1 पिंच नमक स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसके ऊपर से एक एक टुकड़ा बटर डाल देंगे। तो अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी सीक जाए। देखिए इस तरफ से कितनी अच्छी तरह से सीक चुके हैं ये। अब दूसरे तरफ से भी थोड़ा सेक लेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां वगैरह डली हुई है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सब्जियों का क्रंच भी आएगा। तो दूसरे तरफ से भी इसे पलट लेंगे। देखिए सब्जियां हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, ये थोड़ा सा पलटने में नीचे आ गया है तो इसे इस तरह से ऊपर कर लेंगे।
अब यहाँ बीच से अलग कर लेंगे इसे, जुड़ गए थे उसको, या तो फिर ऐसे भी पलट सकते हैं इसे, एक के ऊपर ऐसे पलटना है। देखिए अपने आप ही अलग हो गए। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सिक्कड़ के तैयार हो गया है। इस तरह से घर में ब्रेकफास्ट में बना के देंगे या लंच में बना के देंगे तो इतने में ही पेट भर जाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं, अब हम इसे उतार लेंगे। तो देखिए हमारा स्ट्रीट स्टाइल नाश्ता बन करके हो गया तैयार। इसे कट कर देंगे जिस तरह से मिलता है मार्केट में, उसी तरह से मैं सर्व कर रही हूँ। इसमें रख देंगे प्याज जो चॉप की हुई थी हमारे पास। तो देखिए हमारा स्ट्रीट स्टाइल हो गया है तैयार। मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप रखा है, यहाँ पर ग्रीन चिल्ली सॉस रखा है। यदि आपको के पास हरी चटनी है या बना रखा है तो वो भी सर्व कर सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार चटनियां सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो यदि मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।